गाइस, इंटरनेट का प्रयोग तो आप सभी करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट क्या चीज है, इंटरनेट कैसे काम करता है? आपको बता दें कि जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज सेंड करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे आपके रिलेटिव्स आपके मैसेज को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते हैं, ये सब इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, जिसने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। तो आइए जानते हैं क्या होता है इंटरनेट। गाइस, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन है। आप इंटरनेट की मदद से दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएसए के रक्षा मंत्रालय ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को गठित किया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें उन्होंने डाटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इसे कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया था। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में इसे आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पर किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता। भारत में सबसे पहले 15 अगस्त 1945 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन ने भारत में इंटरनेट को शुरू किया। गाइस, अब जानते हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे आसपास लगे टावर साइट या हमारे द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट से मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेलुलर डाटा टावर्स को भी किसी न किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ा जाता है, ताकि आपको कॉल करने के लिए सिग्नल मिल सके और यह सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा सेलुलर डाटा टावर्स को भेजे जाते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि सेलुलर डाटा टावर्स के पास इंटरनेट कहां से आता है। तो गाइस, यह इंटरनेट पूरी दुनिया में एक जाल के रूप में बिछा हुआ है, यानी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट को भेजा जाता है। और यह बात सच है कि हमने 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाया है, जिसमें हमारे इंटरनेट का 90% डेटा प्रयोग होता है। समुद्र में केवल वही केबल ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं जिनमें कम नुकसान और कम लागत आती है। समुद्र में बिछाए गए यह ऑप्टिकल फाइबर कभी कभी बड़े जहाजों के लंगर से टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में हुआ था, जिसके कारण इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए भी ऐसी कई टीमें बनाई हुई हैं जो 24 घंटे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल की निगरानी करती हैं। यदि कहीं किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान होता है तो यह टीमें उसे जल्द से जल्द ठीक करती है। इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमारे आसपास स्थित सेलुलर डाटा टावर्स कनेक्ट रहते हैं और यह टावर रेडिएशन यानी सिग्नल से हमारे मोबाइल फोन में इंटरनेट भेजते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि 90% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन 10% इंटरनेट खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो कि सैटेलाइट से चलता है। इस 10% इंटरनेट को हम आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हम इसके 3 हिस्से करते हैं। पहला होता है सर्वर, जिसमें दुनिया की सभी जानकारी सेव रहती है, और दूसरा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, BSNL, वोडाफोन, आइडिया, जो हमें सर्वर से जानकारी भेजती है, और तीसरा हमारा PC या मोबाइल का ब्राउजर, जिससे हम जानकारी सर्च करते हैं। जब हम किसी भी जानकारी, इमेज या वीडियो को हमारे ब्राउजर में सर्च करते हैं, तो यह रिक्वेस्ट पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। ये नेट प्रोवाइडर सर्वर पर सर्च करता है और यह सर्वर यानी बेस स्टेशन जानकारी को इंटरनेट प्रोवाइडर को भेजता है और इंटरनेट प्रोवाइडर जानकारी को हमें भेजता है। यह प्रक्रिया काफी तेज होती है, जिससे हमें कुछ ही सेकंड में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेट का बेस स्टेशन यानी हेडक्वार्टर फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है, जहां से पूरी दुनिया में इंटरनेट भेजा जाता है। तो गाइस, अब आप जान गए होंगे कि इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है। गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।